आज तक भी आया हुआ है, स्टेज पर भी आया हुआ, लोगों ने सब ने फेसबुक पर लगा रखा, सब अभी भी लोग उसको शेयर कर ही जा रहे हैं। वो शेयर कर ही जा रहे हैं बिना सोचे समझे कि एक्चुअल न्यूज़ है क्या। मैंने पर्सनली भी उनको मैसेज करा है, एडमिन को मैसेज करा है, बट वो प्रूफ मांग रहे कि हाँ आपके पास क्या प्रूफ है। सब तो पहला स्क्रीन पर दिखाइया जा रही इन तस्वीरों जरा ध्यान नाल देख के पहचानण की कोशिश करो। जे नहीं पहचान आई तो हुण जरा इन लोगों के हाथ च फड़िया इन तस्वीरों देखो, कुछ याद आया। जे नहीं तो हुण जरा इस मोबाइल च दिखाई जा रही तस्वीर पर भी गौर फरमाओ जी। जी हाँ, तुसी सही पहचाणिया, यह उही तस्वीर है जिस बारे की बिजली की अखबारी ते की सोशल मीडिया वाले अजकल यह प्रचार कर रहे हैं कि यह वो मनीषा वाल्मीक है जिस नाल हाथरस च चार लोगों ने बलात्कार करन मगरों उसकी बेरहमी नाल जीव वड्ढण दे नाल नाल उसकी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दिती सी, जिस कारण बाद च उसकी मौत हो गई सी। पर दस दिए कि वह सारा का सारा मीडिया यह तस्वीर दिखा के गलत प्रचार कर रहा है, क्योंकि असल च यह तस्वीर है चंडीगढ़ की मनीषा यादव की, जिसकी 2 साल पहला किसी होर वजह कारण मौत हो गई सी। हुण 2 साल मगरों अपनी धी की मौत दे गम भुला रहे मापियां नूं जदों उसकी याद इस रूप सामने आई है तो मापियां दे हंजू रोकियां भी नहीं रुक रहे। दस दिए कि मृतक धी की फोटो इस तरह वायरल होने का पता जदों मनीषा यादव के पिता नूं लग्या उदों तक 3-4 घंटिया च ही वह तस्वीर जंगल की अग वांग फैलदिया फैलदिया लखां लोकां तक पहुँच चुकी सी। पिता वह तस्वीर नूं अगे शेयर करन तो रोकदा तां किस तरह? दुखी पिता ने आखिरकार चंडीगढ़ पुलिस की शरण च लिखती शिकायत लैके जाना पिया। तो आ सुनियो फिर अगे की बीती इस पिता के नाल। उसकी 2018 में हुई थी 22 जुलाई को। हाँ जी, उसको लाइन हमारा हॉस्पिटल में एडमिट कराया था हमने। अच्छा, तो उनकी लापरवाही का जैसे भी है उनके आगे तो हाँ काफ़ी फ़ोन आए हमें तो परसों पता लगा शाम को 8 बजे के बाद। तो 3-4 घंटे के अंदर देख रहा हूँ तो काफ़ी वायरल हो चुका है। अब हम उस चीज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो लोगों ने उसको फिर वाले सोशल मीडिया डाल के उसको सब कर दिया। हमारे हम पूरा परिवार परेशान हो गया। न्यूज़ चैनल भी आया हुआ है, आज तक भी आया हुआ है, स्टेज पर भी आया हुआ, लोगों ने सब ने फेसबुक पर लगा रखा, सब अभी भी लोग उसको शेयर कर ही जा रहे हैं। जिसने फोटो डाली है, जिसने पहले केस किसी ने एक ने शेयर तो किया होगा पहले, तो उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई होनी चाहिए ना, बिना सोचे समझे ऐसे किसी को भी उछाल देगा ऐसे बंदा। आपने इसकी शिकायत भी दर्ज करवाई है? हाँ, दर्ज कराई है मैंने। कहाँ पर दी है जी? SSB 9 सेक्टर हेडक्वार्टर। तो क्या कहा उन्होंने? तो अभी तो दिया हुआ सर, बाकी वहाँ साइबर क्राइम ब्रांच में दिया हुआ। ऐसे तो हमारी बदनामी हो रही है, जितने लिंक बंदे हैं हर शहर बंदे अपने लिंक के बंदे हैं, ऐसी बात नहीं। चारों पास फोन आ रहा, हम जवाब क्या दें उनको? पूरा परिवार हम परेशान हो गए हैं, हमारे रिश्तेदारों को भी फोन आ रहे हैं, यार दोस्त को फोन आ रहे हैं। अजिहा नहीं है कि अपनी मृतक धी की इस तरह बदनामी होंगी देख के परिवार वालिया ने किसी को यह तस्वीर अगे फैलाने से रोकने लिए नहीं किया होगा। मनीषा यादव की भैन रुचि यादव कहती है कि उसनू पता लगन ते यह फेसबुक पेज वाले एडमिन नू उस रोकण की कोशिश की, तो अगला अगों सबूत मंगण लग गया कि तुसी दसो कि तुहाडे वाले मनीषा ही तस्वीर वाली असली मनीषा है। रुचि कहती है कि यह जुल्म है और रिश्तेदार दोस्त मित्रां ते समाज में उन्हां दी बदनामी हो रही है। ऐसे किसी की भी फोटो मतलब शेयर करना विदाउट किसी की परमिशन, ये क्राइम है, ठीक है। और उसकी डेथ पहले ही हो चुकी है 2 साल, वो भी किसी अदर रीज़न से, उसको मतलब ये रेप केस के साथ करके कि हाँ मतलब इसके साथ ऐसा ऐसा हो गया, हमारी इसमें इंसल्ट हो रही है, ठीक है, जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है, उसकी फ़ोटो ऐसे मीडिया पे उछालना और तरह तरह की बातें बनाना, ये मतलब हमारी भी इमेज पे मतलब इफ़ेक्ट करता है। और मतलब जो हमारे रिलेटिव हैं उन सबकी मतलब रेपुटेशन ख़राब हो रही है इस चक्कर में। मेरे फ्रेंड्स और मतलब जो भी रिलेटिव्स हैं वो भी सब मतलब पोस्ट कर रहे हैं, फोन्स वगैरह आए हैं, वो सब मतलब पूछ रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है, क्या मतलब इसके खिलाफ़ कोई एक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं, हुआ कुछ और है किसी और के साथ और इसका लिंक इसके साथ जोड़ा जा रहा है। इसके बारे में परसों मेरी फ्रेंड ने मुझे किसी एक पेज पर ये फ़ोटो अपलोड की गई थी इंस्टा पर, तो मुझे किसी ने ये सेंड किया था कि ये मतलब आपकी सिस्टर की फ़ोटो ऐसे ऐसे मतलब ट्रोल हो रही है, तो
इसका कंप्लेंट कराओ आप। और मतलब ऐसे सोशल मीडिया पे काफ़ी फैली हुई है, काफ़ी वायरल हो रही है ये, तो इसके रिगार्डिंग कुछ आप एक्शन लो। और ये मतलब हाई प्रोफाइल पेजेस हैं जो इंस्टा पे फिल्मी ज्ञान ये सब, और इसको सेलिब्रिटी भी मतलब पोस्ट कर रहे हैं बिना सोचे समझे, ये एक्चुअल में जो मनीषा वाल्मीकि हथरस केस की विक्टिम है वही है या कोई और, मतलब वो शेयर कर ही जा रहे हैं बिना सोचे समझे कि एक्चुअल न्यूज़ है क्या। मैंने पर्सनली भी उनको मैसेज करा है, एडमिन को मैसेज करा है, बट वो प्रूफ मांग रहे हैं कि हाँ आपके पास क्या प्रूफ है। मैंने उनको प्रूफ भी दिया है कि आप फेसबुक पे चेक कर लो, ये दो साल पुरानी न्यूज़ है, इसको फिर से मतलब उसके साथ उस केस के साथ जोड़ा जा रहा है हथरस केस के साथ, लेकिन ये चीज़ें गलत हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चीज़ असली है वो ही आप दिखाओ, ऐसे किसी की फ़ोटो लगा के केस किसी और का है आप उसको मतलब शो करते हो, ऐसे ये चीज़ गलत है, गलत आइडेंटिटी शो कर रहे हैं बेसिकली लोग ऐसे बिना विदाउट किसी की परमिशन के। अगर आप फेसबुक से किसी की फोटो उठाते हो ये भी एक क्राइम। हुण वेखना ही होवेगा कि पुलिस मनीषा यादव के परिवार की शिकायत ते की करती है। हकीकत टीवी पंजाबी लई चंडीगढ़ तो अमर सिंह की रिपोर्ट।